हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू फिश फूडीज। फिश फूडीज पर आज हम देखेंगे यमी टेस्टी डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी। तो फिर बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून काली मिरी और 4 लाल मिर्च ले लिए हैं। साथ ही साथ 2 तेज पत्ता। इन सभी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। मसाले हमारे सारे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे ड्राई पीस लेंगे बिना पानी ऐड किए। ये देखिए मसाले हमारे पीस चुके हैं, अब हम इसे साइड पर रख देंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक पैन को हीट कर लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया है, यानी तेल ऐड कर लिया है। उसमें 4 लहसुन की कलियाँ और 4 अदरक के पीसेस ऐड कर लिए हैं। साथ ही साथ 2 लंबे कटे हुए प्याज ऐड कर लिए हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज के कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तब हम इसमें 2 रफली चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर को भी हम प्याज और अदरक लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। टमाटर अभी हमारे सॉफ्ट होने लगे हैं, अब हम इसमें 6 काजू के पीसेस ऐड कर लेंगे। इसे भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। टमाटर के गलने तक हमें इन सारे मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब हम इसमें 3 मिर्च ऐड कर लेंगे, हरी मिर्च। आप आपके टेस्ट के अनुसार इसमें मिर्च ऐड कीजिएगा। मसाले हमारे भुन चुके हैं, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा पीस चुका है, इसे भी हम साइड पर रख देंगे। अब हम सेम पैन में 3 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर लेंगे और बटर के पिघलने तक हम वेट करेंगे। बटर के पिघलते ही हम इसमें 2 डाइस किए हुए प्याज और 1 डाइस किया हुआ शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने प्याज के खाली छिलके निकाल लिए हैं और शिमला मिर्च को अच्छे से डाइस कर लिए है। इन सभी चीज़ों को हम बटर में और तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सॉफ्ट होने तक हम इसका वेट करेंगे। प्याज और शिमला मिर्च में मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी प्याज और शिमला मिर्च के साथ अच्छे से भून लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च हमारे करीब करीब पक चुके हैं, तब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ प्यूरी ऐड कर देंगे। टमाटर और प्याज वाला प्यूरी जो हमने ग्राइंड किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और प्यूरी के कंसिस्टेंसी कम होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए प्यूरी हल्का हल्का सा कम होने लगा है, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ग्राइंड किया हुआ सूखा मसाला जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था वो ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़े। ये देखिए मसाला हमारा हल्का हल्का तेल छोड़ने लग गया है, अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अनुसार। मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इस स्टेज पर पानी ऐड कर देंगे। आपको जितना थिकनेस पसंद है उस अनुसार आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे ग्रेवी को। ग्रेवी में और अच्छा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें 1 कप फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारा फ्रेश क्रीम जो है वो ग्रेवी में फट ना जाए। तो हम इसे धीरे धीरे कर चलाते रहेंगे। ये देखिए अब हमारे ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें पनीर के पीसेस ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम्स पनीर का इस्तेमाल किया है। सारे पनीर हमने ऐड कर लिए हैं, अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे पनीर जो है वो ग्रेवी में टूट ना जाए और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे।
5 मिनट के बाद हमारे ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। आखिर में हम इसमें ऊपर से ड्राई कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे क्रश कर हाथों से, और हमारा यमी टेस्टी डिलिशियस रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर घर पर ही बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बाजू में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी टेस्टी रेसिपी के साथ फिश फूडीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।